Good morning guys, welcome back to new blog. Today is the day 4th of my 15 days challenge. अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20. मैं सुबह आज 5 बजे उठा, तो अभी चलते हैं प्लेग्राउंड में और वहाँ पे जाके करेंगे एक्सरसाइज. तो कल है डे 5th, कल मुझे जाना है थोड़ा आउटिंग पे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैंने अभी अभी कॉफ़ी पिया. तो कल का और आज का एक्सरसाइज का जो शेड्यूल था वो लगभग सेम ही था. आज मैंने 3 किलोमीटर्स रनिंग किया, उसके पहले वार्म अप एंड उसके बाद कूल डाउन, ये सब एक्सरसाइज था. एंड कल का डे बहुत स्पेशल है क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ आउटिंग पे. कहाँ जाऊँगा इसके बारे में आपको कल के वीडियो में पता चलेगा. उसके पहले एक बात बता दूँ कि आज सुबह मैंने वेट मेजर किया अपना, तो मुझे रिजल्ट नज़र आया. मैंने 4 दिन का ये 4 डे का एक्सरसाइज के बाद मैंने जब अपना वेट को मेजर किया तो उसमें मुझे 400 ग्राम वेट लॉस नज़र आया. तो उस टाइम जिस दिन मैंने फर्स्ट डे वेट को मेजर किया था उस दिन था 71.7 केजीज, और आज जब मैंने वेट को मेजर किया इट वाज 71.3 केजीज. सो इट इज़ ए गुड साइन. तो मेरा जो वर्कआउट सेशन है, जो मेरा डाइट प्लान है, वो फुल्ली इफेक्टिव वे से मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी. तो गाइस कुछ दिन पहले ही मैंने डिकैथलॉन से कुछ परचेस किया था एंड फाइनली वो आज आ चुका है. तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है. टोटल 4 यूनिट्स है इसके अंदर एंड इसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे वो पड़ा 1600 रुपीज. तो मैं दिखाऊंगा इसके अंदर मैंने क्या क्या परचेस किया एंड किस पर्पज से परचेस किया है. तो गाइस आज का जो मेरा डाइट प्लान था वो सुबह मैंने खाया रोटी, दोपहर को खाया चावल, शाम को खाया मैंने फ्रूट्स एंड फिर अभी रात को डिनर में मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा, उसके साथ 250 ml मिल्क. तो ये रहेगा मेरा आज का फुल डे का डाइट प्लान. तो अभी चलते हैं, हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है. तो करते हैं गाइस इसको अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है. तो सबसे पहले इसको बिल्स, तो इसको रखते हैं साइड में, पहले देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या आया है. अरे तो सबसे पहले है ये मेरा ट्रैकिंग का बैग, राइट. इसका क्वालिटी भी अच्छा ही है, ये 20 लीटर का क्वाचुआ का है ब्रांड. तो इसको मैं जब भी ट्रैकिंग पे जाऊंगा तो इसको ही यूज़ करूंगा. तो इसको रखते हैं साइड. अब जो दूसरा है यह है सॉक्स, बहुत ही अच्छा है ये सॉक्स. इसको मैंने स्पेशली रनिंग के पर्पस से मंगाया है. तो ये है सॉक्स एंड इसका जो MRP मुझे पड़ा आई थिंक 199. तो उसके बाद ये और एक सॉक्स है, इसको भी मैंने मंगाया है ट्रैकिंग एंड रनिंग के पर्पस से. ये भी बहुत ही अच्छा है, इसका जो MRP पड़ा मुझे 299. एंड उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है एक्वा शू. इसको मैं जब भी कहीं पानी पे जाऊंगा तो ये पहनने के लिए है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेग्स. तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, रबर का बना हुआ है. तो इसका जो MRP पड़ा मुझे ये आई थिंक 699 पड़ा है. तो गाइस इस बैग के अलावा मेरे पास और एक बैग है, जो इस बार मैंने ये 20 लीटर का लिया ना, तो मेरे पास और एक बैग है, ये कछुआ का ही है. ये 10 लीटर्स का बैग पैक है. इस बैग को आपने मेरे पहले वीडियोज़ में भी देखा होगा. तो ये बैग बेसिकली क्या है, ये 10 लीटर्स का है. तो इसमें क्या, उतना सामान अगर मैं एक दिन के लिए अगर आउटिंग पे जाऊं तो मुझे 2 लीटर जैसा वाटर बॉटल कैरी करना होता है, उसके बाद कैमरा है, ट्राइपॉड है, माइक है, तो उतना सारा चीज़ उसमें क्या थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है. तो आई थॉट कि ये 20 लीटर का परफेक्ट रहेगा उस चीज़ के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये इसीलिए मैंने इसको परचेस किया. तो गाइस मेरे अगले आने वाले वीडियोज़ में सब इन सब चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल यूज़ में कैसा लगेगा ये सब मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. आई होप कि आज का ये डे 4 का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो डे 5 बहुत ही चैलेंजिंग है, मैं आउटिंग पे जा रहा हूँ. डे 5 में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक्सरसाइज होगा, बहुत ही हार्ड वर्क होगा उस दिन.
डे 5 को बेसिकली, तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली देखिएगा। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा।